रिस्पेक्टेड ऑल डिपार्टमेंट हेड, आइदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, आइदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आइदर यूनिवर्सिटीज। जो आप लोग यूजी के, आप लोगों के जो यूजी स्टूडेंट होते हैं, उनका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें स्टूडेंट रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। वो रिसर्च पेपर नॉन यूजीसी केयर जनरल में पब्लिश कर देते हैं। सो मैं आप लोगों के एक प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसमें जिस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो आपके स्टूडेंट का जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, उससे फाइनेंशियली डिपार्टमेंट को फ़ायदा भी हो जाएगा, स्टूडेंट का गूगल स्कॉलर भी इंक्रीज हो जाएगा, साथ साथ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड का गूगल स्कॉलर भी इंक्रीज होगा। आपको करना क्या है कि जो भी स्टूडेंट का ग्रुप बना है, जितनी भी पेपर हैं फाइनल ईयर वाला, सब एक साथ कंबाइन करके हमें प्रोवाइड कर देना है, ताकि हम उसको एक इंटरनेशनल बुक में पब्लिश करते हैं। वो 400 के 400, इधर 20 ग्रुप आपके होंगे, 25 ग्रुप होंगे, हर ग्रुप का एक एक पेपर हमें दे दे, सभी पेपर को हम कंबाइंड करके एक इंटरनेशनल बुक बनाते हैं। उस बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपके स्टूडेंट के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 3 के ऐसे होते हैं। हम उस इंटरनेशनल बुक पे ISBN नंबर इंटरनेशनल तथा DOI नंबर देते हैं उस इंटरनेशनल बुक का, और उस इंटरनेशनल बुक का एडिटर डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंटल सीनियर प्रोफेसर, 2 या 3 लोग उस बुक की पूरे एडिटर रहते हैं, जिसका आपको बताया है बुक एडिटर मतलब राइटर हो जाते हैं आप। उसको इंटरनेशनल है तो 15 मार्क्स NAC NBO UGC केयर UGC API स्कोर में मिलता है। साथ साथ हर चैप्टर को हम ISBN नंबर और विथ DOI नंबर, हर चैप्टर को सेपरेटली DOI नंबर देंगे और ISBN नंबर देंगे, ताकि स्टूडेंट अपने चैप्टर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने ही DOI नंबर से अपने ही चैप्टर को डाउनलोड कर ले। पूरे बुक को डाउनलोड करना सकता है, DOI नंबर से पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशली जिस चैप्टर को डाउनलोड करना चाहता है कर सकते हैं। पर चैप्टर के डाउनलोडिंग का हम फीस मॉनिटर करेंगे, $2 या $1, जिसका बेनिफिट जो अमाउंट आपको सीधा जाएगा, और पूरी बुक जो डाउनलोड करता है, ऑनलाइन परचेज करता है, उसकी रॉयल्टी भी आपको डिपार्टमेंट हेड को जाएगा। उसका रेट एक फिक्स करेंगे, 200, 500, 700, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर। सो इस पूरे प्रोसेस को आप समझें, और डिटेल अगर समझना है तो हमें कॉल कर सकते हैं, और हम सभी लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि UG के फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते इस तरह से करें, तो 2 फायदा होगा। नंबर 1 कि NAC और NBA की एक्रेडिशन टाइम डिपार्टमेंट में एज ए बुक ये काउंट होगी, साथ साथ NAC और NBA के एक्रेडिशन टाइम स्टूडेंट का रिसर्च पेपर वैलिड ISBN नंबर और DOI नंबर के साथ अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन, तो कभी भी वेरीफाइड और जस्टिफाइड हो सकता है, और स्टूडेंट का गूगल स्कॉलर भी कंसीडर होगा, साइटेशन और H index काउंट होगा और इंक्रीज होगा, साथ साथ आपके डिपार्टमेंट का भी। तो पूरे रिसर्च को इस तरह से करें, और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो हमसे कॉल करके बात कर लें।